देन गाइज हो सके तो आज की वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज के FAQ एपिसोड में मैंने उन सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास रियलमी C2 एंड ओप्पो A31 की डिवाइस में एंड्रॉइड 10 का अपडेट कब तक प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों, मे बी रियलमी C2 के डिवाइस में हो सकता है आज रियलमी UI का अपडेट 25 कोटाज के साथ में प्रोवाइड किया जाए, जिसका वर्जन 3.47 होगा एंड 5 2.10 GB, जिसमें लेटेस्ट सिक्योरिटी पे सितंबर 2020 के साथ में ये अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा रियलमी की तरफ से। एंड वहीं पे बात करें ओप्पो के बारे में, तो भैया जी ओप्पो A31 के डिवाइस में मे बी इसी मंथ में एंड्रॉइड 10 का अपडेट प्रोवाइड कर दिया जाए ओप्पो की तरफ से। एंड आपको पता होगा अभी लेटेस्ट वर्जन प्रोवाइड किया गया A.45 ओप्पो A31 के डिवाइस में, क्योंकि भाई ओप्पो एंड रियलमी के स्मार्टफोन में जब भी कोई मेजर अपडेट प्रोवाइड किया जाता है तो उसके पहले एक सिक्योरिटी पैच अपडेट भी प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आपके फ़ोन को एक फुली तरीके से एंड्रॉइड 10 या फिर एंड्रॉइड 11 जो भी मेजर अपडेट हो उसमें कंपेटेबल कर सके। एंड वही भी बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो भाई यहाँ पे अगला क्वेश्चन है ओप्पो A5 एंड A9 2020 कलर ओएस 7.2 अपडेट। तो भैया जी यहाँ पे कलर ओएस 7.2 का अपडेट ओप्पो A5 एंड A9 2020 के डिवाइस में मे बी नवंबर या फिर दिसंबर के मंथ में प्रोवाइड किया जाए। मतलब ओप्पो के जो जो स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स कलर ओएस 7.2 पे लॉन्च नहीं हुए, वैसे अभी काफ़ी सारे स्मार्टफोन पड़े हैं जिनमें OTA के थ्रू कलर ओएस 7.2 का अपडेट प्रोवाइड नहीं किया गया। तो भैया जी यहाँ पे मे बी एक्सपेक्टेड है नवंबर एंड दिसंबर के मंथ में ओप्पो A5 एंड A9 2020 के डिवाइस में कलर ओएस 7.2 का अपडेट प्रोवाइड कर दिया जाए ओप्पो की तरफ से, क्योंकि भाई कलर ओएस 11 का भी अपडेट आपको 2021 के सेकेंड क्वार्टर में प्रोवाइड किया जाएगा। एंड वही पे बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है ओप्पो A5 एंड A9 2020 अक्टूबर सिक्योरिटी पैच का अपडेट। तो भैया जी ओप्पो A5 एंड A9 2020 के डिवाइस में मे बी अक्टूबर सिक्योरिटी पैच का अपडेट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि अक्टूबर के मंथ में आपको जो अपडेट देखने को मिला उसमें सितंबर 2020 का सिक्योरिटी पैच प्रोवाइड किया गया ओप्पो की तरफ से। एंड वहीं पे बात करें अगले अपडेट के बारे में, तो भाई अगला अपडेट आपको नवंबर के मंथ में प्रोवाइड किया जाए एंड उसमें आपको नवंबर का ही सिक्योरिटी पैच प्रोवाइड किया जाएगा, ना कि अक्टूबर सिक्योरिटी पैच का। एंड उस अपडेट के साथ मे बी आपके डिवाइस में कलर ओएफ 7.2 का अभी अपडेट रोल आउट कर दिया जाए ओप्पो की तरफ से। एंड वहीं पे बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो भाई अगला क्वेश्चन है ओप्पो A5F कलर ओएफ 6.0 अपडेट। तो भाई ओप्पो A5F की डिवाइस में कलर ओएफ 6 का अपडेट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, इन सभी डिवाइसों में अब आपको मंथली अपडेट ही देखने को मिलेंगे। एंड वैसा भी आप सोच सकते हैं, भाई मैं आपको काफ़ी दिन भी बताता आ रहा हूँ कि भाई ओप्पो A5F A3F इन सभी डिवाइसों को अब कलर ओएफ 6 का अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, आप इसके पीछे अपना समय ना बर्बाद करें तो काफ़ी बेहतर होगा। एंड वहीं पे बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो अगला क्वेश्चन है रियलमी 3 प्रो न्यू अपडेट। तो भाई रियलमी 3 प्रो के डिवाइस में नया अपडेट आपको नवंबर के भी मंथ में देखने को नहीं मिलेगा, आपको नवंबर के सिक्योरिटी पैच के साथ में दिसंबर के फर्स्ट वीक में ये अपडेट रोल आउट किया जाएगा रियलमी तरफ से, जिसका वर्जन मे बी 3.11 हो सकता है, क्योंकि 3.09 आपके डिवाइस में प्रोवाइड हो चुका। एंड उसके बाद आपको 3.11 प्रोवाइड किया जाए, जिसमें नवंबर 2020 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच प्रोवाइड किया जाएगा। एंड ये अपडेट आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा, एंड नवंबर एंड दिसंबर का ये सिक्योरिटी पैच होगा। एंड उसके बाद आपको न्यू अपडेट जनवरी के मंथ में मिलेगा, क्योंकि रियलमी 3 प्रो के डिवाइस में बाई मंथली अपडेट प्रोवाइड किया जा रहा है रियलमी की तरफ से। एंड वहीं पर बात करें अगले अपडेट के बारे में, तो भाई अगला क्वेश्चन है हमारे पास रियलमी XT न्यू अपडेट। तो भाई रियलमी XT के डिवाइस में आपको न्यू अपडेट अप्रॉक्स 25th नवंबर तक देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको नवंबर सिक्योरिटी पैच के साथ में प्रोवाइड किया जाएगा एंड नवंबर के ही मंथ में प्रोवाइड किया जाएगा। यह रहा है रियलमी का कुछ फंडा, क्योंकि रियलमी XT, रियलमी 3 प्रो, 5 प्रो, रियलमी X इन सभी डिवाइसों में आपको यहां पे बाई मंथली अपडेट के हिसाब से अपडेट प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें 1 मंथ का गैप रहता है एंड आपको अपडेट प्रोवाइड किया जाता है। मतलब एक मंथ नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, एक मंथ में प्रोवाइड किया जाएगा, बिकॉज दैट्स द रीजन, क्योंकि ये सभी फोन अपने लॉन्च डेट से 1 साल पुराने हो चुके हैं। जो स्मार्टफोन 1 साल से पुराने हो चुके हैं रियलमी के, उनमें बाई मंथली अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब एक मंथ में अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा एंड एक मंथ में नहीं किया जाएगा। यही रियलमी का कुछ अपडेट वाला
फंडा। एंड वहीं पे बात करें रियलमी 3i न्यू अपडेट, तो भाई रियलमी 3 एंड 3i की डिवाइस में आपको नया अपडेट दिसंबर के ही मंथ में मिलेगा, जो कि आपको मिड दिसंबर तक देखने को मिलेगा। आप 10 के बाद समझ सकते हैं, मतलब इसमें आपको जो भी सिक्योरिटी पैच का अपडेट हो मे बी नवंबर का ही होगा, क्योंकि भाई बाई मंथली अपडेट के हिसाब से यहाँ पे नवंबर 2020 का सिक्योरिटी पैच होना चाहिए। एंड ये अपडेट आपको 10 तारीख तक देखने को मिलेगा, जिसे आप मिड दिसंबर कह सकते हैं, मतलब आपके स्मार्टफोन में ये अपडेट दिसंबर के मंथ में प्रोवाइड किया जाएगा। एंड वहीं पे बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो अगला क्वेश्चन है रियलमी 5 V.59 अपडेट। तो भाई 5.9 का अपडेट रोल आउट हो चुका, अगर आपको नहीं मिला तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, प्रॉक्स आपको 2 or 3 डेज के अंदर आपके डिवाइस में OTA के थ्रू अपडेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा रियलमी तरफ से। अगर फिर भी आप वेट नहीं करना चाहते तो आप इसको मैनुअल कर सकते हैं, नहीं पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर मैं आपको इसका अपडेट करवा दूंगा 5.5 वाले वर्जन के साथ में, 5.59 वाले वर्जन के साथ में।